भाषा तक आपको उसके लेवल पे आना पड़ेगा। अच्छी बैटिंग करा तो उसके अच्छे चौके मार के मैच बनाया, पर हमने हम और आदित्य जैसे ही सिंगल लेगा मैच हार जाएंगे, लेकिन जो सामने लड़का है वो बहुत छोटा है, अभी वो सीख रहा है, क्योंकि वो उस प्रेशर को शायद हैंडल नहीं कर पाया जो खेल रहा है। एक गलती थी, शायद भविष्य में दोनों से कभी नहीं होगी, जो लड़का छोटा जिसने आउट हुआ उसको ये करना था कि बैट से खेलना था सिंगल लेके कोशिश करने की, तो एक ये हो गया दूसरी इस टीम का, शायद फ्यूचर में कभी ये मिस्टेक ना हो कि मैच अगर लास्ट विकेट पे है कोई बैट्समैन अच्छी बैटिंग करा फिनिश करके ही आए, एक बॉल दो बॉल डॉट खेल के चौका मार के फिनिश कर सकता है। दूसरी बड़ी गलती क्रिकेट के लिहाज से बॉलिंग साइड की थी, वो बहुत बड़ी गलती, वो दोबारा तो नहीं होनी चाहिए। 9वां विकेट खेल रहा और 10वां नंबर बल्लेबाज बैटिंग कर रहा, तो उसको तो सिंगल देना ही नहीं चाहिए कि सामने वो बैट्समैन आना ही चाहिए। और उसमें उस बैट्समैन ने आके कट मारा, कट यानी शॉर्ट पिच बॉल थी, दूसरा पुल मारा शॉर्ट पिच थी, वो गेंद आगे होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप किस पे सीखते हैं, हम लोग यहाँ से सीखे। और मैं थोड़ा लकी था कि चलो रायबरेली का शायद कोई दूसरा प्लेयर इतना बड़ा नहीं खेला, तो मेरे बराबर या रणजी ट्रॉफी वहाँ से कोई रणजी ट्रॉफी भी एक लड़का खेला है, लेकिन जिन लोगों के साथ मैं खेला तो शायद क्रिकेट को ज़्यादा अच्छा समझते थे। ये सारी चीज़ें बहुत पहले हमें सिखा दी गई थी कि आपको क्रिकेट को रीड कैसे करना है। स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल होना चाहिए, बगैर उसके आप सर्वाइव नहीं करेंगे। फिटनेस उतना ही बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप हमारा फॉर्मेट ऐसा है कि 5 दिन भी मैच खेलते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते आप, लेकिन जो कैलकुलेट करना होता है इसी एज में आप जो कैलकुलेट करना स्टार्ट होता है। मुझे उम्मीद है कि आप जो फेलियर से डरेंगे नहीं, क्योंकि फेलियर सबका पार्ट होता है। हम जीवन में अगर 100 मैच खेलते हैं, अगर छोटे बड़े में लाके ऐसे उदाहरण को 70 बार फेल होता है, और उस 70 में से हम जो 30 अच्छे मैच है तो उनको नहीं भूलना चाहिए। तो फेयर और फेलियर को बिल्कुल ध्यान रखें, कोशिश करें गेम को अच्छे से रीड करें, और बाकी सबसे बड़ी चीज़ इस गेम को एंजॉय करें, गेम बहुत अच्छा है। थैंक यू।